चलो बेटा सारे बच्चे चैप्टर का नाम डालो पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, इसको हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, ठीक है बेटा। तो सारे बच्चे एक क्वेश्चन लिखोगे और इसके बेटा चारों ऑप्शन भी लिखो नोटबुक में, पहले अच्छे से लिखो। तो सारे बच्चे लिखने के बाद फिर इसका आंसर सोचेंगे क्या आएगा। ये जितने भी आज क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने वाले हैं बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत स्कूल में तुम्हारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके। अच्छे से लिखोगे है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखोगे, हम लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। कितने, 20 21 के अराउंड क्वेश्चन करने हैं आज। चलो मेरे को आंसर बताना चालू कर। चल छोटू बता। हाँ अच्छा, सी वाले हाथ उठाओ, कितने लोगों को लगता सी है। अच्छा बी वाले, बी, और ए वाले। अच्छा और कौन सा ऑप्शन बच गया, डी। अच्छा डी, हर एक ऑप्शन में एक एक बच्चा कहीं ना कहीं बैठा। ध्यान से सुनना बेटा, अब हम लोग पहले समझ लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या होता है बेटा, कोई भी एक ऐसी, मैंने सपोज लिखा एक्स, या ऐसे में कह सकता हूँ आसान भाषा में कि जो वेरिएबल की पावर होल नंबर रहती है तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये होल नंबर होते हैं। अब अगर मान ले बेटा मैं पहले ऑप्शन से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 2 2, एक होल नंबर है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ो, ये जो x की पावर 3 है, अगर बच्चा मैं इसको ऊपर लेके आऊं तो ऊपर आके पावर माइनस में हो जाएगी। कोई चीज़ नीचे से ऊपर आती है तो पावर तो चेंज हो जाता है ना उसका साइन। बेटा इसकी पावर कैसी है, ये होल नंबर है क्या, नहीं। इसका मतलब ये तुम्हारा पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। पॉलिनोमियल होने की डेफिनेशन क्या है, कोई भी वेरिएबल की पावर आनी चाहिए एक होल नंबर। अच्छा मेरा एक सवाल है, सुनना ध्यान से, मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 लिखा, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस इट इज ए पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको तुम बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5 × x^0। एक्स की पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग पावर 0 1 होता है, एनीथिंग पावर 0 1 होता है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। आगे सुन बेटा, इसकी शक्ल बनाते हैं। ये दे रखा √2 अलग मैंने कर दिया और एक्स की पावर √2 मैंने अलग कर दिया और माइनस में 1। बेटा रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2, पावर 1/2। एक बात बताओ, ये x की पावर 1/2 है, क्या ये होल नंबर है, नहीं है ना। जब होल नंबर नहीं है तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे देखो, इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। यहां पावर कितनी है बेटा, 1/2, वन रूट का मतलब ही होता 1/2। अगर ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, -1/2। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x² + 3 x^3/2 × x^-1/2। बेटा ये x^(1/2) था, ऊपर गया तो -1/2 हो गया। और मल्टीप्लीकेशन में पावर आपस में ऐड करती हैं ना, तो इन दोनों को ऐड करके देखो क्या बनेगा इनका सीन। इनको ऐड करोगे 3/2 - 1/2, क्योंकि ऐड करना चाह रहा है लेकिन प्लस माइनस माइनस होंगे, तो ये आ जाएगा x² + 3 x^3/2। इसको आ जाएगा 2/2 से 2 2 2, कट्टी पिट्टी हो गया बेटा, ये आ गया। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, है भाई, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। लास्ट वाला जिसने आंसर बोला हम थप्पड़ मार देंगे, बेटा यहाँ x^ कितनी है, 1 है ना। अगर ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल हो नहीं सकता। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों ने सी आंसर दिया था, 2 बच्चों ने, बहुत सोच के दिया था, कैसे फेंक दिया था। सारे बच्चे प्रॉपर लिखो बेटा, सॉल्यूशन करो हर एक ऑप्शन का, ऐसे करके लिख लो। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, जब वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर रहनी चाहिए। बेटा जल्दी करो, इस क्वेश्चन का बिना पेन उठाए आंसर बताओ। अच्छा ए वाले हाथ उठाओ, बी पार्ट, सी और डी। अबे तुम लोग पागल हो गए, तुम लोग पागल हो गए। सुनो बेटा, ये कहता है कि √2 एक पॉलिनोमियल है। पहली बात तो बता, √2 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, भाई है। कौन सा पॉलिनोमियल है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर मैं सिंपली लिख दूँ 5, तो 5 पॉलिनोमियल है, तुम बोलोगे हाँ सर ये पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ, और एनीथिंग पावर 0 क्या होता है,
वन, तो पहली बात तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, तुम कहोगे सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तुमसे डिग्री पूछी है, तो डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि ये 2 की पावर में जो 1/2 है वो तुम आंसर दे दो, 2 तो कांस्टेंट है, हमें तो वेरिएबल की पावर देखनी होती है बेटा डिग्री के लिए। वेरिएबल इसमें तुम्हें दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, लो दिखने लगा, तो इसकी डिग्री कितनी आई, इसकी डिग्री बेटा 0 है, इसकी डिग्री कितनी है 0 है, तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे करो अच्छे से बेटा, तुम हमेशा लेट क्यों आते हो, और मैं ये बात हर बच्चे को बोलता हूँ कि कभी भी तुम सोचते हो कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, उसका एक ही रीजन ये है कि तुम क्या करते हो, बुक चेंज करते हो, कभी ग्रुप पे कुछ पीडीएफ स्कूल से आ गई या कुछ इधर उधर से पकड़ ली, उसको प्रैक्टिस करने लगे, उससे मार्क्स नहीं आएंगे। मार्क्स आएंगे, एक चीज पढ़ो, एक बुक पढ़ो या दो बुक पढ़ो, लेकिन बार बार उन्हीं को 10 बार पढ़ो, तब मार्क्स आएंगे, अपने आप आएंगे। क्योंकि ऐसा तो होने होगा नहीं कि तुम कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो कुछ सारे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो बुक बेकार है। और सबसे पहले दो बुक, एक एनसीईआरटी और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के करा रहा हूँ, इसमें भी आंसर गलत आ रहे हैं, देख रहे हो तुम लोग, नहीं हो रहे हैं, और यही एग्जाम में आएगा, सेम क्वेश्चन चेंज भी नहीं होगी वैल्यू, तो ये दो करने हैं बेटा। उसके बाद में जो जो भी पब्लिकेशन है, जब तुम्हें एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर रट जाए ना अच्छे से, सब क्वेश्चन आ जाए, फिर तुम किसी पब्लिकेशन और पे जाओ। क्योंकि क्वेश्चन में होता क्या है, क्वेश्चन बेसिक तो यही है ना, ये बताओ कभी सीबीएसई बोर्ड अपनी वेबसाइट पे क्या लिख के देते हैं, वो कहते हैं भैया हमने 2 ही बुक बताई, एक एनसीईआरटी और एक एग्जाम्पलर, इसके अलावा वो तीसरी बुक का नाम भी नहीं देते हैं कभी। अब तीसरी बुक जो मार्केट में बनाई गई है, वो कैसे बनाई गई, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं भी अपनी कोचिंग में स्टडी मटेरियल बनाता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी उठाई, एग्जाम्पलर उठाई, उसके क्वेश्चन देखे, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये पैटर्न है, बोर्ड तो डाला ही डाला, उसके अलावा क्या किया, मैंने वैल्यू चेंज कर करके डाल दिया, क्वेश्चन एक्स्ट्रा कुछ एमसीक्यू डाल दिए, कुछ ये एमसीक्यू बनाए, वो भी सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही है। तो ये करना है बेटा, समझ में आ गया, ऐसे करो ना तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो, और नंबर 100 ही तो लाने का, 100 से ज़्यादा लाने, 100 ही तो लाने, 100 के लिए 2 बुक बहुत है, 2 बुक प्लस हम लोग जो टेस्ट लेते हैं और जो हम लोगों की बुक है, इतना तुमने कर लिया तो तुम हीरो बन जाओगे बेटा। फालतू में इधर उधर से कहीं नहीं क्वेश्चंस करना है, टफ क्वेश्चन करोगे उलझे रहोगे, 10 क्वेश्चन कर पाओगे और वो आने भी नहीं होंगे एग्जाम में, आएगा भी तो एक आएगा। आगे करें, ये क्वेश्चन बेटा सब बच्चों को समझ में आ गया ना अच्छे से, क्या था ये था, डिग्री पूछी, तो डिग्री भैया एक्स नहीं था, तो मैंने एक्स की पावर 0 लिख दिया, और जिसकी जो वेरिएबल होता उसकी जो पावर होती है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं, तो डिग्री इसकी 0 थी। नेक्स्ट सवाल करो सारे बच्चे, ये सवाल है करो बेटा, इसका मेरे को आंसर बताओ। चलो अच्छा, 2 वाले हाथ उठाओ, अच्छा, और ए पार्ट, ए पार्ट वाले, सी पार्ट, अच्छा डी वाले, इसमें बोला डिग्री बताओ। यार भाई ये तो इसके आगे तो 0 लगाया ना, तो ये तो गए, ये भी गया, इसमें ये तो पक्का ही है पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखी जाती है, ये हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। एक क्वेश्चन पूछे तुम लोगों से, एक देखना, 2 पूछे, चल बेटा एक बात बता, एक मैंने सवाल लिखा, x^5 + 3x² - 5x^-1 + 4 + 1/x, बेटा इसकी डिग्री बताओ, 5 वाले हाथ उठाओ, डिग्री उसी की डिफाइन होती है जो पॉलिनोमियल हो, ये क्लास 10th में क्वेश्चन आया है, डिग्री किसकी डिफाइन होती है बेटा, जो पॉलिनोमियल हो, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है ना, सीधी सीधी बात है। अब मान ले डॉक्टर किसको बनना था, किसी को डॉक्टर बनना है आगे जाके, किसी को डॉक्टर नहीं बनना, अरे बड़े नीरस क्लास से, अच्छा मान ले बेटा किसी को डॉक्टर तुम्हें बनना है ना, और तुम दांतों की डॉक्टर बन गई, और मैं ये लेके गया कि इसके दांत सही कर दो डेंटिस्ट, तुम कर लोगी, तुम कहोगी इसके दांत ही नहीं है, यही तो बोलोगी बेटा, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तुम कहाँ से इसकी डिग्री बताएंगे, डिग्री किसकी बताते हैं हमेशा, पॉलिनोमियल की डिग्री बताते हैं। चेंज करें, अब ये नहीं किसी के दांत तोड़ दो, ये नहीं करना है, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल बेटा, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन जरूर लिखना है ना, ये सारे ये एग्जाम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, और ये तुम्हारे, तुम लिख नहीं रहे छोटू, ये लड़का प्यार यार में पड़ गया है, दिक्कत ये है, कुछ नहीं पढ़ रहा है ये, एक अच्छा नहीं पढ़ता, लॉस्ट रहता है, कोई नहीं बेटा, अब छोटे बच्चों की मैट्रिमोनियल साइड मैं ही बनाऊंगा, बाल विवाह कराऊंगा,
क्वेश्चन लिखना है, नहीं तो भूल जाएगा बेटा। क्वेश्चन लिखो प्रॉपरली, और जब मैं बोलता हूँ ऑप्शन लिखो तो ऑप्शन भी लिखो, इससे क्या रहेगा ना, लंबे समय तक याद रहेगा, 2-3 महीने तक याद रहेंगी चीज़ें। जल्दी करो, ये आया था, करो करो। देखो बेटा इसका आंसर क्या है, सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, तुम लोग सी पार्ट क्यों आंसर दे रहे हो? तुम लोग कह रहे हो कोई एनी नेचुरल नंबर। एक बात बता, ध्यान से सुनना, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये लिखा, ये क्या है, जीरो है। जीरो क्या है, अब मैं बोलता हूँ कि जो जीरो है, जीरो जीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, जल्दी बताओ। जीरो लिखा, जीरो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ना बेटा। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स की पावर 5 लिख सकता हूँ कि नहीं चीज, ये क्वेश्चन फिर तुम गलत करोगे, मैं टेस्ट में इतनी बार पूछ चुका हूँ ये बेटा। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो तुम इसकी डिग्री कितनी बताओगे? तुम इस केस में बताओगे सर इसकी डिग्री 5 है, हालांकि वो जीरो पॉलिनोमियल है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा इसको बेटा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूं ना। अगर मैंने ये लिख दिया, अगर मैंने ये लिख दिया तो ये ऑप्शन तुम कभी टिक नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने नेचुरल नंबर दे रखा और मैंने जानबूझ के होल नंबर लिया है। और डिग्री डिफाइन करने के लिए हमारे जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो पावर होती है वो होनी चाहिए होल नंबर, ना कि नेचुरल नंबर। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0, 0, 1, 2, 3 ऐसे होना चाहिए। तो यार हम यहाँ से ऑप्शन से बता ही नहीं सकते तो नॉट डिफाइंड बोलेंगे डायरेक्ट। समझ में आया, नॉट डिफाइंड बोलेंगे। नहीं बेटा एक बार चेक करो, डायरेक्ट सवाल था बेटा, ये तो डायरेक्ट सवाल है। इसमें क्या पूछा है तुमसे, पी ऑफ एक्स गिवन है, पी ऑफ 2√2 पूछा, तो जहां जहां एक्स है वहां पे बेटा 2√2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। करो, किसी बच्चे का बेटा मेरे को मोबाइल ना दिख जाए टेबल पे, है ना, क्योंकि मैंने इस साल किसी का फोन नहीं तोड़ा, मेरा मन कर रहा है। हर साल एक आध फोन टूटता है, इस बार एक भी नहीं टूटा, तो मेरे को मतलब बहुत बुरा लग रहा अंदर से। अच्छा बेटा इसका स्क्वायर करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर तो 4 बन गया, और √2 का स्क्वायर कितना बन गया, 2, ये 2√2 है। अच्छा ये बन गया, इसको तो ऐसे कर लो, 2 2 जा बन गया 4, और √2 √2 बेटा 2 बन गया प्लस 1। और ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं देख बेटा, इसे पूरा इससे कट्टी पिट्टी हो गया, है ना, ये भी 8 है, ये भी 8 है, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर कितना आया, तो ऑप्शन बी पार्ट करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल करते हैं, कोई कर तो नहीं रहा, थोड़ा जल्दी जल्दी करना। क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन लिखने ऑप्शन भी लिखने हैं, प्रॉपर लिखना है बेटा। अच्छा ये पूछा है वैल्यू ऑफ, अच्छा इसकी पूरी अंग्रेजी सही लिख लेना, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू माइनस वन पे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी है। पॉलिनोमियल लिखा था बेटा, पॉलिनोम बेटा, एक सरदार जी हैं वो टाइप करते हैं, मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो उनको क्वेश्चन फेंक देता हूँ कि ये टाइप कर देना, अब वो जो कर देते मैं मान लेता हूँ। एक दिन मैं 12th में क्वेश्चन करा रहा था, क्वेश्चन मैंने पूरा कर लिया, आंसर ही नहीं आया, प्रूविंग का था, और इतने साल से करा रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैंने पूरा किया, फिर नहीं आया आंसर। अब मैं देख रहा क्वेश्चन, बाद में पता चला कि शुरू में जो प्रूव करना था वही गलत था। सुनो बेटा, अच्छा इसका आंसर क्या आया, मान लो बेटा ये पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू है 5x-4x² + 3, एक्स की जगह पे माइनस वन पुट कर दो, ये आया -5। बेटा ये -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, तो ये -4 रहा और इधर 3 है। अच्छा -5, ये -9 + 3, आंसर आया -6, कौन सा पार्ट है, ए पार्ट करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़े, ये कितने बच्चों का सही था, ये तो आसान सवाल है, ऐसे उम्मीद मत रखना, ये नहीं आते स्कूल में, ठीक है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, ये तो स्कूल में आता है, मैंने देखा है कई बच्चों के में आया है, किसके में, करो करो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, कर लो बेटा ये नंबरिंग, तुम्हारी यार अलग ही दिक्कत है, नंबरिंग पे क्यों जा रहे हो बेटा, क्वेश्चन फील करो ना, तुम नंबर पे जा रहा है, अगर नंबर सर इस पे भी 6 लिखा है,
देखो बेटा, पी ऑफ एक्स दे रखा है, तुमसे बोला पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स निकालो। बड़ा आसान सवाल है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो बेटा, तुम्हारे पास में जो पी ऑफ एक्स है वो तो यही है एक्स प्लस थ्री, चलो ये हो गया। अगर मैं बोलूँ कि पी ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे? माइनस एक्स से, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री। ये तुम्हारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन में पूछा है कि पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स बताओ, इसका मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड करने को ही तो बोल रहा है वो। दोनों इक्वेशन को छोटू ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करोगे एक्स से एक्स कैंसिल, थ्री और थ्री कितना होता है, तो सिक्स इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी पार्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, जल्दी निपटाओ, आगे बढ़े। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, ये कहता है जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, ये भी बेटा डिफाइन नहीं होता। सही है बेटा, उसको एक बार चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लूंगा, मेरे को भी दिखा देना। ठीक है, मैंने जो लॉजिक बताया वैसे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिखो सारे बच्चे, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल जीरो करो, सॉरी ये नॉट डिफाइंड करो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड करो, जल्दी करो। चलो सुनो बेटा, चेंज करें, चेंज करें। चलो सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिखो, इसका जीरो पूछा है। जीरो का मतलब यही होता है, पता है वैसे क्या होता है जीरो का मतलब, कैसे निकालोगे? कार्तिक बताएगा, ये मुंडी हिला रहा है, इसको आता है। और कोई बताओ आंसर, और कोई तरीका? सीधी बात है बेटा, हाँ जब भी कोई जीरोस पूछे तो जो पॉलिनोमियल होता है उसको तुम इक्वल टू जीरो कर दो और उसको सॉल्व कर दो फॉर एक्स, एक्स की जो भी वैल्यू निकल के आती है वो उसका जीरोस हो जाता है। तुमने बताया वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन तुमने दूसरे तरीके से बताया। तुमने ये कहा कि सर ये वैल्यू ले जाके पुट करो, ये करो ये करो ये करो, जिस पे जीरो आ जाए वो जीरो है ना, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, वो नहीं करना। अगर कभी किसी का जीरोस पूछा हो तो पॉलिनोमियल के उठा के जीरो कर दो पॉलिनोमियल को। तो इसको अगर जीरो के इक्वल करेंगे तो बेटा ये फाइव उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस फाइव अपॉन टू। कौन सा ऑप्शन है? बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डन, आगे बढ़े छोटू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, मैं नहीं बताने वाला कैसे करना है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखने के बाद में सॉल्व करो सारे बच्चे, और एक दूसरे से हिंट भी नहीं लोगे, करो खुद। सारे बच्चे सुनो, चल बेटा तुम ही बता इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें जीरोस पूछे, कभी भी जीरोस पूछे हो तो पॉलिनोमियल को उठा के इक्वल टू जीरो कर दो। अगर जीरोस पूछे हैं तो पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर दो, और जीरो करने के बाद फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक्स की वैल्यू निकाल दो, वो जीरोस होते हैं। याद रखना, जीरोस हो गए, सॉल्यूशन हो गए, रूट्स हो गए, एक ही बात होती है, ये सारी की सारी एक्स की वैल्यू होती है। तो बेटा अगर मेरे को जीरो से निकालने तो क्या करेंगे बता बेटा? मैं करूंगा टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फोर को किसके इक्वल पुट कर दूंगा? जीरो के। अब जीरो के इक्वल पुट करने के बाद में मेरा काम बचा एक्स की वैल्यू निकालना। यहां से एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आती है, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो फोर टू जा एट, एट मैंने यहां लिख दिया, और एट के हम लोग करते हैं फैक्टर, यही तो होता है लॉजिक। एट के ऐसे फैक्टर करेंगे कि सेवन आ जाए, बड़ा आसान है देखना। एट पहले एट एक्स लिख दो, यहाँ पे माइनस का एक्स लिख दो, बन गया, क्योंकि एट इंटू वन करोगे तो माइनस एट आ भी रहा है, और तुम्हें जब माइनस फोर का टू में किया था तो माइनस एट ही तो आया था, और बाकी का फोर ऐसे ही लिख दो बेटा, इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से टू एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस फोर, माइनस वन कॉमन ले लो तो एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। देखो एक्स प्लस फोर इसमें भी है, एक्स प्लस फोर इसमें भी है, कॉमन ले सकते हैं ना बेटा। एक्स प्लस फोर अगर कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा और उधर माइनस वन बचेगा, तो ये बचा टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो पहली वाली टर्म जीरो होगी या दूसरी जीरो होगी, या हो सकता दोनों जीरो हो, तो
तो हम लिखेंगे x प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना आया माइनस फोर, और 2x माइनस वन को अगर जीरो किया तो x इक्वल टू कितना आया 1/2। अच्छा अब तुम लोग ढूंढो, इसमें इसमें पूछा वन ऑफ द जीरो, मतलब कोई एक पूछा है ना, तुमने तो दोनों निकाल दिए, तुमने तो दोनों निकाल दिए, ऑप्शन ढूंढना बेटा। माइनस फोर तो है नहीं, 1/2 कहाँ है, बी हो गया, एक आंसर हो गया। अभी अभी लिखना मत, सुनो बेटा, क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हें एक जीरो पूछा था, तो एक तरीका तो ये, एक मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर दो। अगर मान लो तुम्हारे पास इतना टाइम ना हो, मान लो 2 मिनट बची हो करने को और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसे चेक करो, तो क्या करो तुम, डायरेक्ट बेटा ये जो ऑप्शन दे रखे होते ऑप्शन पुट करके देख लो। कोई भी ऑप्शन पुट करने से जिससे आंसर जीरो आ रहा हो वही आंसर है। जैसे मैंने डायरेक्ट बेटा 2 पुट किया यहाँ पे, तो 2 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 14 -4, बेटा जीरो तो नहीं आ रहा, हटाओ, नहीं हो सकता, आगे बढ़े। 1/2 पुट किया तो 1/2 पुट किया, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, तो मैं देखना कैसे लिखूंगा, 2 × 1/4 +7/2, क्योंकि एक्स की जगह 1/2 -4, ये बेटा ये कट्टी पिट्टी हो गया, ये 1/2 और 7/2 बचा 8/2 -4, ये काट दिया तो बेटा 4 - 4 आंसर कितना आया जीरो, तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही हम लोग ये ऑप्शन चेक करोगे तब भी जीरो नहीं आएगा, ये ऑप्शन चेक करोगे तब भी जीरो नहीं आएगा। जिस जिस पे जीरो आ रहा है वो उसके जीरोस हो गए, ठीक है, वो उसके सॉल्यूशंस हो गए, वो उसके रूट्स हो गए, रूट्स जीरोस सॉल्यूशन एक्स की वैल्यू, बात एक ही, ठीक है। सारे बच्चे कर लो, पहले कर लो इसको, सारे बच्चे कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात बता बेटा, बेसिक सा कंसेप्ट है कि ये कहता है कि ये डिवाइडेड बाई इससे कर रहे, तो डिवाइडेड बाई पूछा, रिमाइंडर पूछा है ना, तो रिमाइंडर थ्योरम लग दी है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि अगर ये तुम्हारा पी ऑफ एक्स है, ध्यान से समझ लो बेटा, ये तुम्हारा बेटा पी ऑफ एक्स है, ये पी ऑफ एक्स हो गया, तुम डिवाइड कर रहे हो उसको थोड़ी देर के लिए बेटा जी ऑफ एक्स मान लो या क्यू ऑफ एक्स मान लो, मान लिया, जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो वहां से पहले उसको इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालो। तो एक्स प्लस वन को अगर बेटा मैं जीरो करूं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -1। अगर मैं बोलूं रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि जिस चीज से तुम डिवाइड कर रहे हो, जिस चीज से तुम डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, और वो एक्स की वैल्यू निकाल के अगर तुमने डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर दी तो रिमाइंडर आ जाता है। रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है, क्या कहती है कि जिस चीज से बेटा हम डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, जो भी एक्स की वैल्यू आई है अगर तुमने उसको ले जाके उस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया जिसको तुम डिवाइड करना चाह रहे थे, कर दिया तो रिमाइंडर आ जाता है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, पी ऑफ माइनस वन। अब क्या है, पी ऑफ एक्स यही है ना बेटा, जहां जहां एक्स है उसकी जगह पे माइनस वन पुट कर दो। अब एक चीज देखना बेटा, माइनस वन की पावर ऑड नंबर, जब जब किसी का ऑड नंबर होता है तो माइनस में ही आंसर आता है, और वन है, वन की पावर कितनी भी कर दो यार आंसर वन ही आता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा माइनस का वन, क्योंकि ऑड पावर है, अगर इवन पावर होती तो आंसर आता प्लस का वन। और यहाँ पे बच्चा तुमने 51 लिखा तो आंसर कितना आया 50। अब मेरे को बता बेटा, चलो सहजता बता, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जल्दी बोलो, मैंने अभी जल्दी 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 बताया। ठीक है, और कोई बच्चा बताएगा रिमाइंडर थ्योरम क्या, जल्दी बोलो। एक्स से इक्वल नहीं, जीरो के इक्वल कर देंगे, वेरी गुड, तो डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाता है। और रिमाइंडर जो आता है वो रिमाइंडर हो सकता है कभी तुम्हारा जीरो भी आ जाए, कभी 50 आ जाए, कभी 40 आ जाए, कुछ भी आ सकता है रिमाइंडर, समझ में आया। कभी कभी ऐसा भी होता है जिंदगी में कि रिमाइंडर निकाला तुमने, रिमाइंडर निकाला, ध्यान से सुनना, मैंने अभी रिमाइंडर थ्योरम बताई, अब एक आती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को भी चेक करने का तरीका यह है कि तुम सेम प्रोसेस अपनाओ, एक्स की वैल्यू तुमने निकाली और वो ले जाके अगर तुमने फंक्शन में पुट करी, और फंक्शन में पुट करने के बाद आंसर अगर जीरो आ गया तो तुम बोलोगे कि ये जो भी था वो उसका फैक्टर है, क्या बोलोगे, फैक्टर है। और अगर जीरो नहीं आता है तो फिर नॉर्मल डिवाइड कर रहा है और जीरो आ जाता है तो हम बोलेंगे ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अभी करेंगे आगे क्वेश्चन, आगे बढ़ा दें बेटा, इसको कर लिया,
क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग एरर थी, ध्यान से सुनो बेटा। क्वेश्चन ये था x प्लस वन फैक्टर है इसका, इसका बेटा फैक्टर है, तो k की वैल्यू बताओ। तो कैसे करना है, कैसे करना है ध्यान से सुनो। तुमने कर लिया, दिखा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया था, पहले क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन चेंज करो। तो क्या करना है बेटा, अगर ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक्स की जो वैल्यू होगी वो उसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेगी। तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले एक्स प्लस वन को इक्वल टू जीरो करूंगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा, ये माइनस वन ले जाके जब मैं उसमें पुट करूंगा पी ऑफ एक्स में, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू है टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको कम्प्लीटली क्या करेगा बेटा, वो सेटिस्फाई करेगा, दैट इज पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, जहां जहां इसमें एक्स है उसकी जगह माइनस वन पुट कर दूंगा और उसको इक्वल टू जीरो कर दूंगा, उसको इक्वल टू जीरो कर दूंगा। ये कितना बनेगा, माइनस वन का स्क्वायर करोगे आंसर कितना आएगा वन, तो ये टू बचेगा, ये माइनस का के इक्वल टू जीरो। के को मैं राइट में लेके जा रहा हूँ, के की वैल्यू कितनी आ गई टू, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छे से कर लो बेटा। ये कौन से थ्योरम पे बेस्ड था क्वेश्चन, ये फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को समझते हैं। फैक्टर का मतलब ये है कि ये इसका अगर फैक्टर है तो पहले इसको इक्वल टू जीरो कर दो और एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो डायरेक्ट उसमें जो पुट करोगे ना ले जाके, तो जब फैक्टर है, फैक्टर है तो उसमें पुट करने से इक्वल टू जीरो आना चाहिए। एक तरीके से देखो, कन्फ्यूज मत होना बेटा, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों एक मौसी मौसी हैं, मौसी हैं एक तरीके से। हाँ भाई, मान लो मम्मी की बहन है। सीन ये है, रिमाइंडर थ्योरम में जब तुम उस चीज़ को जब पुट करते हो ले जाके, तो रिमाइंडर जीरो भी आ सकता है, कुछ और भी आ जाता है ना। जब जीरो आ जाता है तो उसी को हम लोग फैक्टर बोल देते हैं, जब जीरो नहीं आता है तो वो रिमाइंडर थ्योरम चल रही होती है। समझ में आ गया है ना बेटा, तरीका एक ही, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। मैं चेंज कर रहा हूँ सवाल, जल्दी करो ये बेटा, सारे बच्चे करो, थोड़ा लेंथी सवाल है। ठीक है, हाँ सारे में, इसमें देखो क्या बोला कि x प्लस वन फैक्टर किस किस का है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको इक्वल टू जीरो करूँगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन, एक बार माइनस वन इसमें पुट करो, अगर आंसर जीरो आता है तो ये आंसर हो गया, इसमें पुट करेंगे आंसर जीरो आ जाएगा तो ये भी आंसर हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे, इसमें करेंगे, सब में करना है। समझ में आया, x की जगह करना चालू करो, बी बी और सी सी मत करो, पूरा करो, सब में चेक करो, ए पार्ट चेक करो। तो नहीं नहीं, सारे कर लो, सारे कर लो बेटा। ये तो बेटा टू आ रहा है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। समझ में आया, आंसर जीरो आना चाहिए था ना जब फैक्टर है। ऐसे ही सारे बच्चे अब बी पार्ट चेक करो, भाई ये तो जीरो आ गया, वेरी गुड। ये है, अगर ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो रुक सकते हो, एमसीक्यू टाइप का है तो रुक सकते हो, लेकिन कर लो, अभी तो प्रैक्टिस कर रहा है, सब कर लो बेटा। वैसे आंसर इसका भी पार्ट हो गया है, इसका कर लिया, सब लोगों ने चेक कर लिया, कितना आंसर आया डी का, डी का आना चाहिए वन माइनस थ्री और थ्री और माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, वन आ रहा होगा है ना। अच्छा, सी का आंसर आना चाहिए वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन, टू आना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट सवाल की दुनिया में चलते हैं हम लोग। चलो सारे बच्चे करेंगे इसको, बड़ा अच्छा सा सवाल है बेटा, बहुत आसान सवाल था, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अब इसने बोला कि वन ऑफ द फैक्टर, जो ये दे रखा इसका फैक्टर कौन सा बढ़ रहा है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले तो इसी की शक्ल अच्छी करेंगे, क्योंकि जब फैक्टर पूछा तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो करने की कोशिश करेंगे ना बच्चा। तो मैं ये 25x² - 1 को ऐसे नहीं लिख सकता, 5x² - 1 प्लस 1 + 5x² ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, ये बता बेटा, लिख सकता हूँ, चल बता।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता? बेटा थप्पड़ मारे इतनी देर नहीं, हाँ हाँ बर्दाश्त नहीं करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें क्या सोचना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, चलो ये आ गया और ये ऐसा ही लिख दो, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ देख बेटा, हम लोग ये कॉमन ले सकते, देखो 5x प्लस वन इसमें भी है, 5x इधर तो स्क्वायर है भाई, नहीं, इधर तो स्क्वायर है। मेरे को एक बार क्वेश्चन चेक करने दो कि पूरा सही है कि नहीं, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा, यहाँ पे सही कर लो सारे बच्चे। ये जो है ना इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके होल स्क्वायर है बेटा, होल स्क्वायर है, ठीक है, ये बेटा होल स्क्वायर है। तो ये है 1 + 5x का होल स्क्वायर है। अब एक चीज बताओ, देखो 5x + 1 इसमें भी है, 5x + 1 इसमें भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने एक 5x + 1 कॉमन ले लिया तो एक तो ये बचेगा 5x - 1, इधर तुमने दो थे ना, एक कॉमन ले लिया तो एक बचेगा ना बेटा, तो एक बचेगा दैट इज 1 + 5x बच जाएगा, और अच्छे से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5x + 1। इस वन से ये वन कट्टी पिट्टी हो गया, 5x और 5x कितने हो गए, 10x हो गए। तुम्हारे पास सीन कुछ ऐसे बना, 10x और 5x + 1, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद में तुम लोग ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना चालू करो कि हम कैसे इस इसके ऑप्शन पे कैसे पहुंचे। करो बेटा दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। इतना सही है, इतना सही है, सुनो बेटा, इतना सही है। टाइपिंग एरर है, भयंकर वाला टाइपिंग एरर है, कोई टीचर ही मर जाएगा करते करते। अब इसमें ये देने के बाद में जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन ध्यान से सुनना, ये ऑप्शन इसके नहीं थे, ये ऑप्शन थे पुराने वाले क्वेश्चन के, चिपका दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए, ऑप्शन नए लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑप्शन में नए लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन मेरे पास में कुछ ऑप्शन है वो लिख दे रहा हूँ बेटा, ऐसे ऐसे गलतियाँ करेंगे तो कहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, मेरी एक गंदी आदत ये है, मैं कभी भी क्वेश्चन को देख के नहीं आता हूँ। मेरे को पहली बार यहाँ पे तुम लोगों को जैसे नए नए दिखते हैं बोर्ड, ऐसे ही मेरे को मेरे मेरे सामने भी पहली बार ही खुल रहे होते हैं ये, मैंने घर पे भी नहीं देखे होते हैं कि ये क्या उनने टाइप किया क्या नहीं। क्या बोले, वो बोल सही करते हैं ना, कहीं होंगे दूसरे नशे में बेटा। अच्छा सुनो, अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन से मेरे को बताना है, तो तुम लोग बड़े आसानी से बता सकते हो। ये बोल रहा है कि इस वन ऑफ द इसका कोई फैक्टर, तो इसके कितने फैक्टर हैं, इसके दो ही तो फैक्टर हैं, कौन कौन से दो फैक्टर हैं, एक है 10x और एक है 5x + 1। इसमें ढूंढो तो बेटा कहाँ लिखा है 5x + 1, है ही नहीं, 10x तो है ना, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे कर लो जल्दी करो, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट सवाल है, जल्दी करो बेटा। जिस बच्चे ने इसको ऐसे करने की कोशिश करी बेटा थप्पड़ खाएगा, जिसने इसको स्क्वायरिंग किया इसका स्क्वायरिंग करने के माइनस नहीं करना, प्रॉपर्टी से होगा, कौन सी प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करो जल्दी, ए हो जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे, उधर से आ गया 1, तो आंसर क्या आ गया बेटा, ऑप्शन कौन सा है, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है। जल्दी करो आगे करें, बी आंसर आ गया क्या, चलो देख लेते हैं बेटा। इसके जब मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करे, 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया, 12 आ गया ना बेटा, तो मैं लिखूंगा 12 को क्या लिख सकता हूँ,
सिक्स इंटू टू तो सिक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। बेटा इन दोनों में से टू एक्स कॉमन ले लो, टू एक्स प्लस थ्री, इधर से बेटा वन कॉमन ले लो, टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ब्रैकेट में आ गया ये और एक ब्रैकेट में आ गया ये, यही आया ना। ऑप्शन चेक कर बेटा, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, समझ में आ गया। ये ऐसे ही चेक करना था, डायरेक्ट सवाल था, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना था। आगे बढ़े, देख बेटा ध्यान से सुनो, अगर तुमने क्या बोला 12 माइनस 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 12 का और माइनस 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा, माइनस 48 होगा। बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, प्लस का 12, प्लस का 12, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी जो करते हो वो प्लस का 12 भी आना चाहिए, ये लॉजिक होता है। ठीक है, एक बार मेरे वीडियो देख बेटा, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, मिडिल टर्म स्प्लिट के वीडियो देखो, है ना, ऐसे तुक्का नहीं मारते मैथ्स में ना। आगे बढ़े,